सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे विकास, वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और विटामिन की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे और जंतु होते हैं। अतः हमारा मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने का रहता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ से भी कहीं अधिक है और अधिक तेजी से ये अभी भी वृद्धि कर रही है। देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र की आय बढ़ने से न केवल भूख की समस्या का समाधान होगा बल्कि लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव आएगा। इसके लिए हमें मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियां अपनानी होंगी। 60 के दशक में हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में आशातीत वृद्धि की थी। अब समय आ गया है जब हमें पशुधन के अलावा कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के साथ साथ कृषि उत्पादन में उन्नति करनी है। विवेक कुमार श्रीवास्तव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। ऐसे ही और ऊर्जा हमें अनाजों से जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार आदि से मिलती है। दालों से हमें प्रोटीन और ऊर्जा दोनों मिलते हैं। चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर और मसूर प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। तेल वाले बीजों जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सरसों, अलसी और सूरजमुखी से हमें वसा प्राप्त होती है और इससे न केवल वसा अम्ल और ग्लिसरॉल मिलते हैं बल्कि प्रचुर मात्रा में ऊर्जा भी मिलती है। सब्जियां, मसाले और फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण तो प्राप्त होती ही है, साथ में कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। वर्सीन, जई तथा सूडान घास का उत्पादन हम पशुपालन के चारे या आहार के लिए करते हैं। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान तथा दीप्ति काल की आवश्यकता होती है और इस तरह वो अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। वर्षा ऋतु में उगने वाली फसलें खरीफ की फसलें कही जाती हैं। ये जून से प्रारंभ होकर अक्टूबर मास तक चलती हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द आदि खरीफ की फसल है। जो फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है और नवंबर से अप्रैल तक चलती है इन्हें रबी की फसल कहते हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी आदि रबी की फसल है। भारत में 1960 से 2004 तक 44 वर्षों में
कृषि भूमि तो केवल 25% बढ़ी है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुई है। इसके लिए जो प्रयास किए गए हैं, वे हैं फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल सुरक्षा प्रबंधन। यदि फसलों की किस्मों का चयन ठीक होगा तो उत्पादन भी अच्छा होगा, और किस्मों के चयन का आधार होना चाहिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता और उच्च उत्पादन। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुण संकरण के द्वारा डाले जा सकते हैं, और ये संकरण 3 प्रकार के हो सकते हैं। अंतराकिस्मीय, यानी एक ही स्पीशीज की 2 किस्म। अंतरास्पीशीज, यानी एक ही जेनरा के 2 स्पीशीज। और अंतरावंशीय, यानी भिन्न जेनरा के मध्य। ये सुनिश्चित होना चाहिए कि किसान को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज सुगमता से उपलब्ध हों। कृषि प्रणालियां और फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः हमें ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जो विविध जलवायु परिस्थितियों में तथा उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सके। बीजों की किस्मों में सुधार के लिए कुछ आवश्यक पहलू हैं: प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना, उन्नत किस्मों को इस तरह विकसित करना जिससे फसल उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ सके, जैसे कि दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता और तिलहन में तेल की गुणवत्ता बढ़ सके। फलों सब्जियों का इसी गुणवत्ता के आधार पर संरक्षण हो सके। फसलों में जैविक प्रतिरोधकता होनी चाहिए ताकि जीवों में होने वाले रोग फसलों को हानि ना पहुंचा सकें, तथा अजैविक प्रतिरोधकता भी सशक्त होनी चाहिए ताकि फसल स्वयं को सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड या फिर पाले से बचा सके। इससे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता, फसल को उगाने के लिए कटाई तक जितना समय कम लगेगा उतना ही आर्थिक दृष्टि से अच्छा होगा। फसल की किस्म इस तरह से विकसित की जाए कि वो भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी समान रूप से उत्पादन दे सके। चारे वाली फसलों के लिए लंबी और सघन शाखाएं होनी चाहिए, तथा अनाज के लिए बौने पौधे ठीक रहते हैं। हमें इसी तरह की किस्म विकसित करनी चाहिए। आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों और कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन आपस में निकटता से संबंधित है। किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र और उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। जैसे हमें विकास, वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों के लिए कुल 16 पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। इनमें सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हमें वायु और जल से ही मिल जाते हैं, और शेष 13 पोषक पदार्थ मृदा से प्राप्त होते हैं। मृदा से मिलने वाले पोषक पदार्थों में जिन 6 पदार्थों की पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें
वृहत पोषक कहते हैं। ये है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। मृदा से मिलने वाले जिन सात पोषकों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें सूक्ष्म पोषक यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट या ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। ये है आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम तथा क्लोरीन। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इन पोषकों को हम खाद तथा उर्वरक के रूप में मिलाते हैं। खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण कर देती है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। खाद में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की संरचना को भी प्रभावित करते हैं। ये रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ाते हैं और चिकनी मिट्टी से पानी को निकालने में सहायता करते हैं। खाद यानी मैन्योर बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों का उपयोग किया जाता है और इसके आधार पर हम खाद को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। इसके अंदर कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि पशुधन का मल मूत्र यानी कि गोबर आदि, सब्जी के छिलके, कचरा, पशुधन द्वारा परित्यक्त चारा, घरेलू और सीवेज कचरा, फेंके हुए खरपतवार आदि जैव पदार्थों को एक गड्ढे में विगलित कर लिया जाता है तथा कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ और पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। यदि कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है तो इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। हरे खाद बनाने के लिए ढेंचा, पटसन, मूंग, मसूर या मटर उगाते हैं। वृद्धि करने के बाद उन फसलों को खेत में ही जोत दिया जाता है और पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे मृदा नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से विशेष रूप से परिपूर्ण हो जाती है। इससे मिट्टी में उपस्थित खनिज लवण मृदा की सतह पर ही आ जाते हैं और आगामी फसल उनका उपयोग कर लेती है। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है। उर्वरक विशेष रूप से मृदा को नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। अधिक उत्पादन के लिए हम उर्वरक का उपयोग करते हैं। उर्वरक का उपयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। उर्वरक की उचित मात्रा, उर्वरक देने का उचित समय, उर्वरक देने से पहले और बाद की सावधानियाँ। कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं। उर्वरक का लगातार प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है। इनके उपयोग से कार्बनिक पदार्थों की पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। उर्वरक से सूक्ष्म जीवों और भूमिगत जीवों की संख्या कम हो जाती है। खाद का उपयोग खेतों की उर्वरता बढ़ाता है तथा इसका दीर्घावधि लाभ है। खाद के उपयोग से कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति होती रहती है और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों और भूमिगत जीवों का अस्तित्व बना रहता है। खाद का उपयोग मृदा से मिलने वाले सभी 13 आवश्यक तत्व पौधों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराता है। खेती करने की वो पद्धति
जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़क नाशी, शाक नाशी जैसे रसायनों का उपयोग नगण्य होता है। इस पद्धति में अधिकांश कार्बनिक खाद का ही उपयोग होता है। इसके अंतर्गत कृषि अपशिष्ट यानी एग्रीकल्चरल वेस्ट, पुआल आदि के साथ साथ नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का संवर्धन यानी कल्चर करके जैविक उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं। खाद्य संग्रहण में जैव कीटनाशकों की तरह नीम की पत्तियां और हल्दी को विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। कुशल फसलीकरण किया जाता है। कुशल फसलीकरण के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र का प्रभावी उपयोग आवश्यक है। इस प्रकार की कृषि से कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है। फसल उत्पादन समय समय पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करता है। कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है, अतः अधिक से अधिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए उपाय किए जाते हैं। जल के अनेक स्रोत संभव हैं, जैसे नहरें, नदियां और तालाब आदि। कुएं, ये दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं और नलकूप। नलकूप द्वारा पानी गहरे जल स्तर से निकाला जाता है। नहरें, सिंचाई का ये एक विस्तृत और व्यापक तंत्र है। जलाशय या नदियों से जल नहरों में आता है और फिर शाखाओं में बढ़ता हुआ खेतों तक पहुंचकर उनकी सिंचाई करता है। जहां सिंचाई के लिए जल जलाशय और नहरों से उपलब्ध नहीं हो पाता, वहां नदियों से सीधे ही पानी निकालकर खेतों तक भेज दिया जाता है। छोटे जलाशय सीमित क्षेत्र में बहने वाले पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और इसे खेतों की सिंचाई के लिए भेज देते हैं। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्न विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। मिश्रित फसल में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक खेत में उगा सकते हैं, जैसे कि मूंगफली और सूर्यमुखी, या फिर गेहूं और सरसों, या गेहूं और चना आदि। दाल वाली फसलें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। किसी प्राकृतिक आपदा के रहते यदि एक फसल नष्ट हो जाती है तो दूसरे की संभावना बनी रहती है। अंतरा फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल और उनके एकांतर में स्थित दूसरी फसल इस प्रकार उगाते हैं कि प्रत्येक के पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न हो, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। सोयाबीन और मक्का, बाजरा और लोबिया अंतरा फसलीकरण के अच्छे उदाहरण युग्म हैं। इस प्रकार की फसलों में पीड़क व रोगों को सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को
फसल चक्र कहते हैं। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो हम एक वर्ष में दो से अधिक फसल ले सकते हैं। खेतों में फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक हैं खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोग। यदि समय पर खरपतवार व पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया तो ये फसल को बहुत हानि पहुंचा सकते हैं। वांछित फसल के साथ अवांछित पौधे भोजन, स्थान और प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं और इस स्पर्धा के दौरान वांछित फसल के पौधों को हानि पहुंचाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। हमारे देश के मुख्य खरपतवार गोखरू यानी कि ज़ैंथियम, गाजर घास यानी पार्थीनियम और मोथा यानी सारेनस रोडेंटस आदि हैं। अच्छी पैदावार के लिए खरपतवार को प्रारंभिक अवस्था में ही निकाल देना चाहिए। खुरपी आदि का उपयोग करने से यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार निकाले जा सकते हैं। फसल के साथ उचित क्यारियां बनाना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कीट, पीड़क तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। पीड़क नाशी रसायन का उपयोग बहुत प्रभावी है। ये रसायन शाकनाशी, कीटनाशी अथवा कवकनाशी हो सकता है। इनका हमें सीमित उपयोग ही करना चाहिए क्योंकि इनका अधिक उपयोग कई पौधों और जानवरों के लिए विषैला हो सकता है और इससे पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ सकता है। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग करना चाहिए तथा ग्रीष्म काल में खेत की गहराई तक हल से जुताई भी पीड़कों के प्रभाव को कम करता है। कृषि उत्पाद तैयार हो गया, अब यदि उसके भंडारण में कोई कमी रहती है तो उत्पाद को बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक और अजैविक दोनों ही कारक हो सकते हैं। जैविक कारक में कीट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी तथा जीवाणु हैं और अजैविक कारक में कृषि उत्पाद के भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी और ताप का अभाव है। ये कारक कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं और इससे उनका वजन कम हो जाता है, अंकुरण की क्षमता कम हो जाती है और उत्पाद बदरंग हो जाता है और इस तरह के कृषि उत्पाद की बाजार में कीमत कम हो जाती है। इसके लिए कृषि उत्पाद का उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। भंडारण से पहले कृषि उत्पाद को साफ करना चाहिए तथा पहले सूर्य के प्रकाश में और फिर छाया में सुखाना चाहिए तथा पीड़क को मारने के लिए धूमक यानी फ्यूमिगेशन का उपयोग करना चाहिए। पशु के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य जैसे कि भोजन, प्रजनन और रोगों पर नियंत्रण करना आता है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अंडों, दूध और मांस की खपत भी बढ़ रही है, अतः पशुधन उत्पादन बढ़ाने
और उसमें सुधार की आवश्यकता बहुत जरूरी है। पशुपालन के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, दूध देने वाले पशु और दूसरा, कृषि कार्य के लिए पशुओं का पालना। भारत में पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीशीज हैं, गाय बॉस इंडिकस तथा भैंस बॉस बुवेलियस। इन्हें दुधारू पशु कहते हैं। दूध का उत्पादन पशुओं के दुग्ध श्रवण काल पर निर्भर करता है। विदेशी नस्ल लंबे समय तक दुग्ध श्रवण काल में रहती हैं, लेकिन देशी नस्लों का दुग्ध श्रवण काल काफी कम होता है, लेकिन उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि दोनों का संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त हो सकती है जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और लंबा दुग्ध श्रवण काल दोनों ही ऐच्छिक लक्षण हो सकते हैं। पशुओं के स्वास्थ्य का भी हमें पूरा ध्यान रखना है। इसके लिए गाय भैंस के शरीर की सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए तथा उचित आवास जिसमें छत और रोशनी की व्यवस्था हो। आवास ऐसा हो जो उन्हें गर्मी, सर्दी और वर्षा से बचा सके और उसका फर्श ढलवा हो ताकि वो साफ और सूखा रह सके। दुधारू पशुओं के दो प्रकार के आहार, पहला जो उन्हें स्वस्थ रख सके और दूसरा जो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने वाला हो। पहला प्रकार है रुक्षांश भोजन। ये मुख्यतः रेशे वाला होता है। दूसरा प्रकार है सांद्र भोजन, जिसमें प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व प्रचुरता में मिलते हैं। इन पशुओं को ऐसे संतुलित आहार की आवश्यकता है जिसमें दोनों प्रकार का मिश्रण हो और जो इन्हें स्वस्थ भी रख सके तथा दूध के उत्पादन को भी बढ़ाए। अंडों व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इस प्रक्रम में मुर्गी की उन्नत किस्में विकसित की जाती हैं। अंडों के लिए अंडे देने वाली मुर्गी लेयर को पाला जाता है और मांस के लिए ब्रॉयलर को पाला जाता है। मुर्गी की अच्छी नस्ल में निम्न विशेषता है, चूजों की संख्या अधिक हो और गुणवत्ता भी अधिक हो। चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु छोटे कद के ब्रॉयलर हो, गर्मी अनुकूलन क्षमता अधिक हो, रख रखाव में खर्च कम होना चाहिए। अंडे देने वाली और मांस देने वाली मुर्गी कृषि के उपोत्पाद से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपयोग कर सकें। इस तरह की विशेषता वाली नई किस्म की मुर्गी केवल संकरण से प्राप्त कर सकते हैं। इस संकरण में एक नस्ल देशी और एक विदेशी होनी चाहिए। देशी में एसल और विदेशी में लेगहॉर्न के संकरण से प्राप्त नई किस्म में ये सभी विशेषता मिलती हैं। अंडों तथा ब्रॉयलर का उत्पादन, ब्रॉयलर चूजों की वृद्धि दर अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इनका उपयोग मांस के लिए किया जाता है। इनके आहार में विटामिन, प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, विशेष रूप से विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा का ध्यान कुकुट आहार में रखना चाहिए। आवास में उचित ताप
और उचित स्वच्छता का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। नियमित रूप से रोगाणुनाशी रसायनों का छिड़काव आवश्यक है। संक्रामक रोग से बचाने के लिए मुर्गियों का टीका लगवाएं। मछली हमारे भोजन की प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मछली उत्पादन में पखयुक्त मछलियाँ यानी फिंड फिशेस तथा कवचीय मछलियाँ जैसे कि प्रॉन और मॉलस्क प्रमुख है। कवचीय मछलियाँ प्रॉन तथा मॉलस्क मछलियाँ नहीं है। प्रॉन आर्थ्रोपोडा फाइलम का जंतु है तथा मसल व ऑयस्टर मॉलस्क फाइलम के जंतु हैं। ये दोनों फाइलम हड्डियों रहित जीव के होते हैं, जबकि मछलियाँ कशेरुक जंतु होते हैं। भारत का समुद्री संसाधन क्षेत्र 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। नदियों और तालाबों में अलवणीय जल यानी फ्रेश वाटर है। इसमें अलग अलग प्रकार की मछलियाँ होती हैं। सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ पॉम्फ्रेट, मैकल, टूना, सार्डाइन। मछली पकड़ने के लिए भिन्न प्रकार के जाल और भिन्न प्रकार की नावों का उपयोग किया जाता है। मछलियों के बड़े समूह का पता लगाने के लिए सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का संवर्धन यानी कल्चर भी किया जाता है। पखयुक्त मछलियों में विशेष रूप से मुलेट, भेटकी और पर्ल स्पॉट है तथा कवचीय मछलियों में झींगा, मसल व ऑयस्टर प्रमुख हैं। हम आपको ये बता चुके हैं कि कवचीय मछलियाँ वास्तव में मछली नहीं हैं। इसके साथ ही समुद्री खरपतवार का भी संवर्धन करते हैं। ऑयस्टर का संवर्धन मोती प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। समुद्री मछलियों का संवर्धन समुद्री संवर्धन या मैरी कल्चर कहलाता है, जहां समुद्री जल और ताजा जल मिश्रित होते हैं, जैसे नदीमुख यानी एस्चुरी तथा लैगून महत्वपूर्ण मत्स्य भंडार हैं। धान की फसल के साथ भी मछली संवर्धन किया जा सकता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जा सकता है और इस प्रक्रिया में देशी व आयातित मछलियों का संवर्धन किया जा सकता है। इस प्रकार के तंत्र में एक ही तालाब में कई तरह की मछलियों की स्पीशीज को चुना जा सकता है। चुनी हुई मछलियों में आहार के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए और ये तभी संभव हो सकता है जबकि प्रत्येक का आहार दूसरों से अलग हो। माना एक तालाब में 5 प्रकार की मछलियां हैं। इनमें से रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र में अपना भोजन लेती है तो कटला मछली जल की सतह से, मृगल तथा कॉमन कॉर्प तालाब की तली से भोजन लेती हैं, तो ग्रास कॉर्प खरपतवार खाती है। इस तंत्र से तालाब में मछली उत्पादन में वृद्धि होती है। मिश्रित मछली संवर्धन में अच्छी गुणवत्ता वाले डिम्भों का अभाव हो सकता है। इस समस्या का हल बहुत आसान है। मछलियों के संवर्धन के लिए हार्मोन का उपयोग करके इच्छित मात्रा में
शुद्ध मछली का डिंब प्राप्त कर सकते हैं। शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन एक कृषि उद्योग बन गया है। इसमें पूंजी निवेश कम होने के कारण किसान इसे अतिरिक्त धनार्जन का साधन मानते हैं। मधुमक्खी का छत्ता शहद के अलावा मोम का भी अच्छा स्रोत है। इसके मोम से औषधि तैयार की जाती है। व्यावसायिक स्तर पर शहद उत्पादन के लिए देशी किस्म की मधुमक्खियां हैं एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डॉर्सेटा और एपिस फ्लोरी। मधु का उत्पादन बढ़ाने के लिए इटली की मक्खी एपिस मेलिफेरा का उपयोग करते हैं। अतः अब व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए इसी मक्खी का उपयोग करते हैं। ये मधुमक्खी अधिक सामर्थ्य से शहद एकत्र करती है, डंक कम मारती है और प्रजनन तीव्रता से करती है। मधु की गुणवत्ता उन पुष्पों पर निर्भर करती है जिससे वे पराग एकत्र करती हैं, और पुष्पों की किस्म ही मधु का स्वाद निर्धारित करती है। ओवर। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।